हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पेन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इसकी सीरीज हम रन करें, और इसकी ऑलरेडी हम एक पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज इसी सीरीज का हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्पिंग होगी ये वीडियोस, ये लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं, जो भी रन कर रहे हैं हम, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार होगी। और दोस्तों, मैं देखता हूँ वीडियोस तो यार व्यूज़ आ रही हैं, आप लोग व्यू तो करते हो, बट आप लोग कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में। यार लाइक तो कर दिया करो, 1 सेकेंड लगता है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता बोल के ऐसे, ठीक है। चलो करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देखें, आज हम यहाँ पे 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपसे पूछा जा रहा है हु इज़ द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ स्पेन। हमेशा की तरह, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके लिए क्विज भी आएंगे, और जिस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा आपसे आंसर, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा रीजन वाइज। ऐसा नहीं कि रेंडमली मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना एफर्ट डाले हैं अपनी पढ़ाई में, है ना, कितनी क्यूरोसिटी है जानने के लिए स्पेन के बारे में, कितना आपने पढ़ा है। हालांकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने कवर किए हुए हैं, जो इसके सीरीज आए हुए हैं बच्चों, उनमें मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है ना, सब कुछ मैंने बताया है एक एक चीज़ें। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों से भी मुझे पता चले, जवाब आए आपकी तरफ से, और ये भी आप पार्टिसिपेट करो, है ना, तभी मुझे मज़ा आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं, आपने पढ़ा है नहीं, आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे JNU या किसी भी जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, खासकर लैंग्वेजेस के लिए, उसमें आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे फ्लिप, सेकेंड फ्लिप, फर्स्ट फ्लिप, फिफ्थ फ्लिप, फोर्थ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो इसका आंसर मैं आपसे चाहूँगा, बट एक हिंट है आपके लिए, ये है पिक्चर, ये है महान पर्सन, है ना, जो कि अभी करेंटली सर्विंग है एज ए किंग ऑफ स्पेन। सो आपको बस इतना करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताना है, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एक जरूरी सूचना और उन सभी बच्चों के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, तो मैं उनको बता दूं, ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है फ्रांस, स्पेन और एज वेल एज जर्मनी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी। तो खैर, अगर आप अभी स्पेन को पढ़ रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, है ना, इनके बारे में नहीं पता, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज़ हैं, उसमें वीडियोज़ जो भी हैं, आप उनको देखें, उन सारे लेक्चर को कवर करें, और बाकी के भी, तभी आपको मज़ा आएगा इनके आंसर भी करने में और पढ़ने में भी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लिया जा रहा है आपसे, और चलो इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, बट चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार 5 सेकंड के लिए पॉज करके इसका भी आंसर दीजिएगा। पूछा जा रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन अ नोबल प्राइज इन लिटरेचर, है ना। और आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली इसका आंसर चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉस इचन ग्रे, है ना, या गेरे, ऐसे पढ़ सकते हो इनको। चलो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि इनको क्यों नोबल प्राइज दिया गया था और कब दिया गया था। पहली बात तो ये जो महाशय हैं, इनकी पिक्चर आप देख सकते हो, सॉरी, ये है इनकी पिक्चर, और ये एक सिविल इंजीनियर हैं, स्पेनिश सिविल इंजीनियर, मैथमेटिशियन हैं और स्टेटमैन हैं, है ना। और भी चीज़ें इनके बारे में जानते हैं, इनको 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए, लिटरेचर के लिए, है ना, लिटरेचर में दिया गया था। और ये एक लीडिंग स्पेनिश ड्रामेटिस्ट हैं, है ना,
तरीके से देखा जाए, जो कि इन्होंने रिवाइव किया है ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ स्पेनिश ड्रामा को। तो इन रिकग्निशन ऑफ न्यूमरस एंड ब्रिलियंट कंपोजिशन, है ना, इनकी जो काफ़ी ब्रिलियंट कंपोजिशन की है इन्होंने, है ना, ये जो लिटरेरी वर्क में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी के लिए इनको अवार्ड किया गया था 1904 का नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, है ना। ये नाम आपको याद होना चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा गया तो पूछा जा सकता है ना। ये है, और ये जो पिक्चर है इनसे रिलेट कर सकते हो इसको, इस तरीके से आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अगेन क्विज टाइम फॉर यू। सो ऐसे क्विज आते रहेंगे सब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो पूछते हैं सर मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए। मैं क्वेश्चन बैंक तो नहीं देने वाला, बट हाँ यहाँ पे ऐसे क्विज आते रहेंगे आप सभी के लिए। आप अटेम्प्ट करिए और लिखिए, अपने नोट्स भी बनाइए, तो एक जो प्रिपरेशन होगी वो एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होगी। क्वेश्चन बैंक देने से क्या होगा, मैं अगर बना के दे भी दूंगा, आपके पास मोबाइल फोन में पड़े रहेंगे, आप ओपन हार्डली ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरेक्ट कीजिए, है ना। आप चलो अभी हम नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी के लिए अगेन एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है हु रिसीव 2020 20 नोबेल पीस प्राइज़, है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका आंसर करना है। अगर किसी ने नहीं पता वो सर्च करके करेगा, चाहे जैसे करेगा, कहीं से भी पढ़ के, वो जरूर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अ फेमस पेंटर ऑफ स्पेन। अगेन मैं इसका आंसर मैं आप सभी से चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली भी मैंने कवर कराया है फेमस पेंटर और उनकी पेंटिंग्स। अगर आप चाहो तो आपकी खुशी है कि ये जो पेंटर्स हैं इनमें से, है ना, उनके आप पेंटिंग के नाम भी बताओगे। और दूसरी बात, आपको क्लियरली जो बच्चों ने अभी लास्ट की वीडियोस देखी होंगी, जो नए बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लगातार इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज को फॉलो कर रहे थे, बने हुए हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, वो क्विकली ग्रैप्स कर लेंगे इसका आंसर, उनको पता है वो राइट आंसर टिक कर सकते हैं। बट हाँ, मेक श्योर, आपके लिए एक टिप्स है, आपको हमेशा ये जो क्वेश्चन है हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु और नॉट ए फेमस पेंटर, ये जो नॉट लिखा हुआ ना इसको हमेशा ध्यान देना है। बहुत बच्चे एग्जामिनेशन में इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जल्दी जल्दी में रीड करके वो जल्दी से एक किसी को टिक मार देते हैं ना कि इन्होंने पढ़ा होता है कि ये स्पेनिश पेंटर है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो स्पेनिश पेंटर नहीं है, इसमें से कौन सा स्पेनिश पेंटर नहीं है ना, जो फेमस नहीं है, तो उनका आपको नाम यहाँ पे टिक करना है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। दूसरा, जो बाकी के कोई एक होगा, बाकी जो तीन ऑप्शन बचेंगे वो ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है वो फेमस स्पेनिश पेंटर हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, उनकी आप चाहो तो फेमस पेंटिंग के नाम भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाया भी है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और अपील भी करूंगा कि वो लोग पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर देने में, है ना, तभी मजा आएगा दोस्तों, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो। आगे बढ़े, 14 क्वेश्चन ले रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जेएनयू ने पूछा हुआ है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेन इज सिचुएटेड इन विच पेनिनसुला, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और मजे की बात यह है, अगर आपको पेनिनसुला, ये जो बेसिक टर्म है जियोग्राफिकल, यही नहीं पता होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात है आपको ये पेनिनसुला होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, हालांकि मैंने पढ़ा है, अगेन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, बट आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग दो, ठीक है। अगेन पेनिनसुला वो हिस्सा है धरती का, वो लैंड मास है जो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है ना, समझ रहे हो, जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड, है ना। बट जो पेनिनसुला क्या होता है, वो तीन हिस्सा लैंड का जो वाटर बॉडी से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसमें से कोई एक राइट आंसर है, और बाकी के भी जो ये पेनिनसुला हैं इनको भी आप देखिएगा, इनके बारे में भी पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क भी है ना।
ये जो पेनिनसुला है काफ़ी फेमस है, इनके बारे में पढ़ें तो इसमें से दो मुझे पक्का पता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने नोट्स भी बनाएं, अपने नोट्स में भी लिखिएगा ठीक है, और इसका आंसर भी दीजिएगा अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, इसको पॉज करके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द होस्ट ऑफ 1992 समर ओलंपिक्स। अगेन स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो, और खासकर स्पेन में अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का गेम हुआ है और उसकी सिग्निफिकेंट है हिस्ट्री में, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट का मैंने टैग लगा रहा है, बट ये समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी ने पढ़ा है ना, तो एक बार के लिए आप बस 5 सेकेंड का पॉज लीजिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सभी लोग विदाउट गूगल हेल्प हेल्प या सर्च इंजन की हेल्प नहीं लेना आपने अभी, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे, आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है ठीक है। मैं देखना चाहूँगा किसके कितने स्कोर आ रहे हैं। चीटिंग मत कीजिएगा पहली बात तो, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो आप खुद से चीटिंग कर रहे होंगे ठीक है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, मद्रिद, बार्सिलोना, वैलेंसिया एंड बिलबाओ, और इन शहर के बारे में भी जरूर पढ़ें जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपसे। चलो देखते हैं, पहली बात तो हम सिग्निफिकेंट देखते हैं 1992 के ओलंपिक्स की ठीक है। और मेन बात ये है, ये जो ओलंपिक हुआ था इसको बार्सिलोना 1992 ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप सभी को पता चल गया होगा ये बार्सिलोना में हुआ था, इसको होस्ट किया गया था बार्सिलोना शहर में। बार्सिलोना की जो किस रीजन की कैपिटल है आप सभी से पूछा गया है, आप चाहो तो बता सकते हो, इट्स अप टू यू। सो लेट्स सी हियर, इन 1992 जो समर ओलंपिक हुआ है बार्सिलोना में, ये कब हुआ था? आफ्टर डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या है, जैसे कि हम रशिया की सीरीज पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नए हैं वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, हम रन कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग है। हम देखेंगे किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे 1905 है ना, आगे के भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, सोवियत यूनियन की ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टालिन पढ़ेंगे, व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें और हुई, वर्ल्ड वॉर में कैसे पार्टिसिपेट किया था है ना रसिया, और बाकी किस तरीके से इसका डिस इंटीग्रेशन होता है, और भी जो महान लीडर आए थे बिफोर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दो पॉलिसीज इशू की गई थी, ग्लास रोस एंड पैथ है ना, इस टाइप के एक एक और है पॉलिसीज, उसका अगर आप सभी को नाम पता है बताइएगा है ना, पेत्राइनोस ऐसे करके है, उसको भी हम बताएंगे वो कौन सी पॉलिसीज थी और क्या रीजन थे डिस इंटीग्रेशन होने के सोवियत यूनियन के है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रसिया को पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो आप बने रहिएगा। और अब यहाँ पे डिस इंटीग्रेशन आया था इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप सभी किसी ने पढ़ा है तो आप मुझे बताइएगा, रसिया का ये जो रसिया नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, सोवियत यूनियन का डिस इंटीग्रेशन कब हुआ था, आपको ईयर बताना है बस कमेंट बॉक्स में। तो जस्ट उसी के बाद ही ये समर ओलंपिक हुआ था, जिसमें जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स थे, स्टेट मतलब जो राष्ट्र थे या कंट्रीज थी 12, जिसमें से 12 जो कंट्रीज थी सोवियत स्टेट्स की, उन्होंने अपनी एक अलग यूनाइट टीम बनाई हुई थी, जबकि जो अदर जैसे कि सच एज इस्टोनिया एंड लिथुआनिया है ना, ये जो कंट्रीज थी इन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई हुई थी, ये सारी जो कंट्रीज थी ये सोवियत यूनियन के पार्ट थे है ना, स्टेट थे, तो उनमें से 12 लोगों ने एक अपनी अलग टीम बनाई थी, 12 कंट्रीज ने, और दो कंट्री ने अपनी एक अलग टीम बनाई थी है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस बर्लिन ओलंपिक्स ऑफ 1936 है ना। तो बर्लिन ओलंपिक्स ऑफ 1936 क्यों सिग्निफिकेंस है इसकी, इसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं, और आई होप मैंने आपको पढ़ाया भी है जब मैंने जर्मनी कवर किया है, जर्मनी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बताया हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप इतनी सी बात आप सभी के
के दिमाग में घुस गई होगी, समझ में आ गया होगा, है ना, बैठ गया होगा, आपने बिठा लिया होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी से ही। दूसरी बात, अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स आपका अपना है, वहाँ इसीलिए बना ही है, आप क्वेरी पूछ सकते हो। मैं हमेशा एक्टिव होता हूँ और मैं सभी के कमेंट को पढ़ता भी हूँ और उनके आंसर भी करता हूँ, इसके लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये लोगो देख सकते हो, बार्सिलोना 92 के, है ना, समर ओलंपिक जब हुआ था, बस इतना याद रखिएगा और इस लोगो को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़े, बिठाना मतलब फीड कर लो, एक अच्छा वर्ड है ना, अपने माइंड में फीड कर लो। जैसे मेमोरी में आप क्या फीड करते हो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, मूवीज, ऐसे ही इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्पेन। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोई एक तो नहीं है, बाकी तीन तो है ही। तो उसमें जब ये आपको पता होगा, आपको होलिस्टिक नॉलेज होगी, आपको मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, है ना, जिस अप्रोच से, तो तभी आप टिक कर पाएंगे राइट आंसर। कहते नहीं है कि सर आप मुझे, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं तुक्का कैसे लगाएं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं माइंड में कि इंटेलिजेंट गैस कैसे लगाएं, इंटेलिजेंट तुक्का, वो इसी तरीके से लगता है जब आपको होलिस्टिक नॉलेज होती है, बैकग्राउंड पता होता है ना। मान लो इसमें से आपको दो तो पता होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज, मान लो आपने दो सही कर लिए, तो बढ़ते बचते क्या है चांसेस 50-50 के। अगर आपने सही कर लिया तो आपको आपको राइट आंसर मिल जाएगा या पूरे मार्क मिलेंगे, अगर गलत कर लिया तो फिर, बट होता क्या है, 50-50 चांसेस होते हैं, बट कोई एक आपको आंसर आप कंफर्म होंगे कि यही है, तो फिर भी 75 चांसेस होते हैं कि सही होने के। बट क्या होता है, जब दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हो एलिमिनेशन मेथड से, है ना, वो कभी तभी वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए आपको इनफ, तब क्या करते हो, आपके पास 50-50 चांसेस होते हैं सही होने के, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ऐसी नॉलेज रखना। चलो इस चीज़ को हम थोड़े अलग तरीके से आज समझते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी ने आपके माइंड में ये अब तक तो मैप बन गया होगा स्पेन का, है ना, पूरा आई मीन अवेरियन पेनिसुला का ही बन चुका होगा, ये जो पूरा पेनिसुला है इसको आइबेरियन पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। चलो आपको आंसर मिल गया होगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो कुछ रीजन है जो कि हाईलाइटेड है और वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्पेन की भी यहाँ पे बोली जाती हैं भाषाएं, जैसे इंडिया में आप समझ लो साउथ में तमिल एंड केरला में केरलाइट, है ना, ऐसे ही लैंग्वेज बोली जाती हैं, और ऐसे ही यहाँ पे भी हैं जो रीजन्स हैं वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे कैटालोनिया में देखा जाए, कैटलन, है ना, जहाँ की कैपिटल क्या है, बार्सिलोना, और बास्की जो रीजन है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बास्की लैंग्वेज बोली जाती है, इस जो बास्की का जो कैपिटल है बिलबाओ, इसके बारे में मैंने बोला था आप सभी को पढ़ने के लिए। ऐसे ही अस्तूरियन करके है एक रीजन, यहाँ पे भी अस्तूरियन, ऐसे ही ग्लेशियन, तो ये जो रीजन है सेंटियागो, यहाँ पे क्या है कैपिटल है यहाँ की, तो यहाँ पे गलेशियन लैंग्वेजेस बोली जाती है। और पूरे ये जो पूरा जो शहर है ये येलो कलर से आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कैस्टिलियन या स्पेनिश लैंग्वेज आप बोल सकते हो आप, जी हाँ, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नेम है, आप ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। स्पेनिश अगर आपको ना मिला रहे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्पेन, वहाँ पे स्पेनिश ना लिखा मिले, अगर ये लिखा हुआ कैस्टिलियन, है ना, तो आपको राइट टिक इसी पे करना है, क्योंकि क्योंकि स्पेनिश ये एक तरीके का आप बोल सकते हो इंग्लिश वर्ड है ना, बट ये जो है कैस्टिलियन ये भाषा ही है स्पेन्योल, जैसे बोलते हैं ना स्पेनिश, तो इस ऑफिशियली कैस्टिलियन ही बोलते हैं ना ये लैंग्वेज जो स्पेन में है। तो ये चीज़ आपको रखना है याद, ये पूरा जो रीजन है ग्रनादा सिवैये, है ना, एंडोरा, एंडोरा में तो नहीं, एंडोरा में भी बोले जाते हैं स्पेनिश लोग बोलते हैं, जहाँ पे एक रीजन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो बट एंडोरा नहीं, बट इतना तो आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज। अब ऑप्शन की तरफ दोबारा बढ़ें, बास्की अभी हमने रीजन देखा, बिल्कुल बोली जाती है, जी हाँ, कैटलन कैटोलोनिया में बोली जाती है, ये भी को ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेन की, बिल्कुल। ग्लेशियन अभी हमने पढ़ाई है ना, देखा ही मैप में यहाँ पे, तो ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है।
कौन सा नहीं है? ये है राइट आंसर, फ्रीशियन। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है स्पेन की। इस तरीके से आपको पढ़ना है ना? आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलो अगेन एक मैप और है। ये जो इस जो येलो कलर से मार्क है ना, वहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, कैटलन बोली जाती है यहाँ पे। ये जो आइलैंड है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पे भी ये भी स्पेन का पार्ट है ना। तो यहाँ पे भी कैटलन बोला जाता है। वेलेंसिया, ये जो वेलेंसिया का रीजन है, यहाँ पे वेलेंशियन भी बोला जाता है। ये जो बास्की है, यहाँ पे ग्रीन कलर का, यहाँ पे बास्की बोली जाती है। ग्लेशियन अभी हमने देखा ही है। कैटलन एंड ओसिटन, ये जो मार्क है, यहाँ पे भी कैटलन बोला जाता है, जो कि कैटलोनिया का रीजन है ना। यहाँ पे ये जो रीजन है पूरा वाइट, ये वनली स्पेनिश बोली जाती है। कौन? कैस्टलियन है ना, जो लैंग्वेज है वही बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आई होप इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अभी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैपिंग से लेके लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज से लेके कू ऑफिशियल लैंग्वेज से, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं तो आप फिर भी मुझे बताएं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी से ले रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल स्पेनिश डिश? ऑप्शन है टैको, पाया, फजीता एंड बुरीतो। सो आपको इसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और आई होप आप सभी को पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको ना पता हो, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर अटेम्प्ट करने का, है ना। और मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो इसका आप आंसर जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, तापस इज अ डांस, अ माउंटेन, अ रिवर, अ स्नैक्स। तो ये भी आपको बताना है, ये भी मैंने पढ़ा है, जो डिशेज हैं बहुत अच्छे से कवर कराई है मैंने स्पेन की, तो वो आपको बताना है। आई होप इतना तो हिंट मिल ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वॉट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन स्पेन? यहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट पूछा जा रहा है, स्पेन में किस टाइप की गवर्नमेंट है। ऑप्शन है मोनार्की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऑल ऑफ द अबव। आप सभी लोग 5 सेकंड के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलो देखते हैं, अगर राइट आंसर चाहिए तो ऑप्शन सी, सी सही है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखते हैं क्यों। फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है स्पेन के, तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री मोनार्की। अब जैसे मैंने बताया था कि जो स्पेन है इसको क्या बोलते हैं, किंगडम ऑफ स्पेन, है ना। यहाँ पे किंग है जो कि हेड होता है ना, हेड ऑफ स्टेट, और एक पार्लियामेंट भी है यहाँ पे, है ना। तो आप पार्लियामेंट्री मोनार्की आप समझ सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बोल सकते हो इसको। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, ए सोशल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इतना बड़ा याद नहीं रहे, बट इतना याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट्री मोनार्की, इतना ये बात आपको याद होनी चाहिए, जो येलो कलर में हाईलाइट है। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो पार्लियामेंट्री मोनार्की, यहाँ पे कौन कौन होते हैं, यहाँ पे हेड कौन होता है, हेड जो होते हैं यहाँ पे किंग होते हैं, है ना, यहाँ के। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, वो जो ऑफिशियल टाइटल क्या है यहाँ का, प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जो कि प्रेसिडेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं यहाँ के, है ना। तो वो क्या है, इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इनको हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्विज बनता है आप सभी के लिए, मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों को पता है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए इतना तो। तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में इसको भी अटेम्प्ट करेंगे विदाउट गूगल हेल्प, है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, हु बिकेम द किंग ऑफ स्पेन इन 1975? ध्यान से पढ़िएगा, हु बिकेम द किंग ऑफ स्पेन इन 1975? ऑप्शन है आपकी तरफ, फिलिप फर्स्ट, अल्फांसो 13, फ्रांसिस्को फ्रेंको, नन ऑफ द अबव। चाहो तो आप लोग अब 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो है नन ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों, आगे देखते हैं। ये हैं महान पर्सन जो कि स्वतंत्रता
फ्रांसिस्को फ्रेंको के बाद 1975 में इन्होंने एक्सेस किया था और ये किंग बने थे, है ना, वहाँ के। इनका नाम है फुआन कार्लोस, है ना। ये रहे थे किंग कब से कब तक, मोनार्क कब से कब तक रहे थे स्पेन के, 1975 से लेके 2014 तक ये मोनार्क रहे। और कभी, जैसे कि मैंने बताया, आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांसिस्को फ्रेंको, इन्होंने 2 ही दिन बाद फ्रांसिस्को की डेथ के बाद एक्सेस कर लिया था, है ना, थ्रोन को। इस तरीके से आपको समझना है। और फ्रांसिस्को फ्रेंको क्या थे, एक जनरल थे, है ना, मिलिट्री जनरल थे, एक डिक्टेटर थे। इनके बारे में भी मैंने आप सभी को बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये चीज़ आपको देखना है। और ये एक एक ऑप्शन और था, अल्फोंसो 13th, ये कौन थे, ये इनके खुआन कार्लोस के ग्रैंडफादर थे, है ना। यहाँ पे लिखा ही हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हो, खुआन कार्लोस वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द लास्ट किंग अल्फोंसो 13th। एक बात और आपको समझ में आई, जो अल्फोंसो 13th थे ये लास्ट किंग थे, जो कि स्पेन को उन्होंने एग्जाइल कर दिया था 1931 में, और उसी के 10 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जहाँ जब ये एग्जाइल हुए थे। अब एग्जाइल कहाँ कहाँ हुए थे वो आपकी क्यूरियोसिटी है, आप समझो इसको, ठीक है। आई होप इस लेक्चर को देख के आप सभी को आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा, एनर्जी आई होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा, एक आपके माइंड में है ना तरोताज़ा हुए होगी, आपको अपना लेवल पता चला होगा। और आप सभी लोग अब अपनी स्कोरिंग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आउट ऑफ 10 आपने आपके कितने मार्क्स सही हैं, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, और अगर आप किसी भी ग्रुप के मेंबर हो जहाँ पे और भी बच्चे ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो इस लेक्चर को। और प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और बने रहिए बस इस सीरीज के साथ, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ।